मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह की सुरक्षा का घेरा कस दिया गया है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय ने 6 दिसंबर को जन्म स्थान के मूल गर्भगृह पर दीपदान करने और रामलला मैदान में 51 कुंडीय महायज्ञ की घोषणा है, लेकिन सोमवार को जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कोई भी नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी जिले की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश कौशिक और हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने 6 दिसंबर को मूल गर्भगृह पर दीपदान करने की घोषणा की है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह चौधरी ने इसी दिन रामलीला मैदान में 51 कुंडीय महायज्ञ कर जन जागरण अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। ऐसी स्थिति में शहर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने दोनों ही धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा का घेरा कस दिया है, जहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया जा रहा है। इसको लेकर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 6 दिसंबर को कोई भी नई परंपरा डालने की अनुमति दोनों ही धार्मिक स्थलों पर नहीं दी जाएगी। सामान्य तरीके से पूजा पाठ और दर्शन की व्यवस्था पहले की तरह ही बरकरार रहेगी, इसमें कोई वादा नहीं आने दी जाएगी। अगर कोई भी ऐसी कोशिश करता है तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से अपील की जा रही कि वह 6 दिसंबर को कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे शहर की शांति व्यवस्था को कोई खतरा पैदा हो। एसएसपी ने यह भी कहा कि पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है, साथ ही एसएसपी ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी शांति और कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि अभी अधिकारी महोदय ने आप सभी को अवगत कराया, 6 दिसंबर को मथुरा स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज नहीं है। सामान्य दर्शन पूजन और जो सामान्य व्यवस्थाएं रहती हैं वो चलती रहेंगी। किसी भी तरह के नए आयोजन या नए प्रोग्राम की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ सभी लोगों का, सभी संगठनों से अपील की जाती है कि कानून व्यवस्था में खलल न डालें, जो सामान्य व्यवस्था है उसका पालन करें। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन की तरफ से उस दिन जोन और सेक्टर के माध्यम से की जाएगी। गड़बड़ी फैलाने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिनके द्वारा भी कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बाकी सभी लोगों से अपील की गई है कि उस दिन जैसे सामान्य रूप से दर्शन पूजन तथा अन्य आयोजन होते रहे वो अनवरत होते रहेंगे, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। नई परंपरा, कोई भी नया आयोजन नई परंपरा नहीं शुरू की जानी है और किसी तरह की अनुमति इस तरह के कार्यक्रमों को पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही। देखिए, 6 दिसंबर को जहाँ तक मथुरा की बात है, यहाँ कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, लेकिन जो परंपरागत यहाँ पर जो अन्य दिनों के जो दर्शन होते हैं उस पर 6 दिसंबर को भी दर्शन होते रहेंगे। कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं होने दी जाएगी, किसी भी दशा में नहीं होने दी जाएगी। जो परंपरागत आयोजन होते हैं, दर्शन पूजन होता है, देखिए हमने बताया ना कि कोई भी नई परंपरा की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी। स्पष्ट निर्णय है और इस निर्णय का क्रियान्वयन कराने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने शांति व्यवस्था। हमने बताया कि ये गंगा जमनी तहजीब का जनपद रहा है, हमेशा से यहाँ पे सामुदायिक और रहा है और हम सभी लोगों का कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा, इसको सुनिश्चित कराएंगे कि सौ